गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्शल फ्रैक्शन वट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रूल्स ऑफ पार्शल फ्रैक्शन इन प्रीवियस वीडियो देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ एनसीआरटी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन यू कैन सी हर बेटा इसमें देखो एक लीनियर फैक्टर है एक है क्वाड्रेटिक फैक्टर है दैट मीन्स आप इसमें क्या करोगे एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्स वन को क्या लिख दोगे ए अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्स वन को क्या लिख दोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्स वन रूल के अकॉर्डिंग ओके आफ्टर दैट वॉट यू कैन डू अब आप किसके बाद इसका एल्सियम ले लो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी फिर देखो आपने क्या किया एल्सियम लिया ये चीज आई आपने कम्पेयर कर दिया दिस एंड दिस कैंसल ये चीज आपके पास रह गई अब कॉफिशियंट कंपेयर किया तो ए प्लस बी कितना आ गया जीरो आ गया माइनस बी प्लस सी एज वन एंड ए माइनस सी एज जीरो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से ए कितना आ गया माइनस बी माइनस बी प्लस सी एज वन एंड ए इज इक्वल टू सी अब आपने क्या किया ये वाली और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी ये और उसके बाद आपने क्या किया c प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन ले लिया एंड फ्रॉम हेयर यू गॉट c इज इक्वल टू वन बाय टू अब c इज इक्वल टू वन बाय टू पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा माइनस वन बाय टू और a कितना आ जाएगा वन बाय टू आप इसमें पुट कर दो वन बाय टू एक्स माइनस वन माइनस वन बाय टू एक्स प्लस वन बाय टू एक्स के अब इसको बेटा सेपरेट कर दिया वन बाय टू एक्स माइनस वन माइनस वन बाय टू एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन डीएक्स प्लस वन बाय टू एक्स प्लस वन डीएक्स इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट करा दिया कैसे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया सो डेरिवेटिव प्रेजेंट तो ये कितना हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और वन बाय टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी अब ये चीज आ गई आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया दैट इज ये नंबर एट x अपॉन एक्स माइनस वन होल स्केयर एक्स प्लस टू अब आप इसको ऐसे लिखोगे इसको क्या लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्केयर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू बी इंटू एक्स प्लस टू सी इंटू एक्स माइनस वन होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स अब बेटे देखो जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें एक और मेथड भी लगा सकते हो वो क्या जितने है जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उनको जीरो के इक्वल पुट करके देख लो जब आप लीनियर वैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आप क्या करोगे पहले पुट कर दोगे x को वन और माइनस टू पुट कर सकते हो ठीक है अब आप x को वन और माइनस टू पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जब x को वन पुट करोगे तो ये टर्म भी जीरो होती है ये टर्म भी जीरो दैट मीन्स ओनली b इज लेफ्ट तो वहां से b की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री और अगर x को माइनस टू पुट करोगे ये और ये गई तो c की वैल्यू आ गई माइनस टू बाय नाइन ओके देन आफ्टर दैट क्या करोगे फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए चेक करोगे तो माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वहां से आपके पास फोर बाय नाइन करके आपके पास कितनी वैल्यू आ गई देखो नाइन सिक्स माइनस टू फोर बाय नाइन सो ए इज इक्वल टू फोर बाय नाइन आ गई फोर बाय नाइन टू ए आ गई सो ए इज इक्वल टू टू बाय नाइन इज योर आंसर अब इन सबको पुट कर दिया मैंने टू बाय नाइन एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन बाय थ्री वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्केयर माइनस टू बाय नाइन वन अपॉन एक्स प्लस टू अब देखो इसकी क्या होगी लॉग में ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन माइनस और इधर आ गया माइनस टू बाय नाइन लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी अब टू बाय नाइन कॉमन ले लिया लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी एंड माइनस वन बाय थ्री x minus वन plus c. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 5 upon अपॉन cube minus x square minus x plus प्लस dx. अब बेटे इसमें से x square कॉमन ले लो आपके पास x minus वन ऊपर से 1 लिया x minus वन आ गया थ्री 3x plus y, 5x minus माइनस whole होल x plus 1 dx. अब देखो इसमें मैंने क्या पुट कर दी. A upon x minus वन b upon x minus वन होल square. एंड सी अपॉन एक्स प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास ये वैल्यू आ गई ठीक है अब मैं क्या करूंगी एक बार एक्स को वन पुट करूंगी एक बार माइनस वन इन शॉर्ट ठीक है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आपके लिए थोड़ा कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो शॉर्टकट मैथड ऑफ दिस जब आप वन पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा ओनली दिस थिंग इज लेफ्ट तो यहां से बी की वैल्यू आ गई फोर अब जब नेक्स्ट लोगे तो उसमें सी की वैल्यू वन बाय टू आ जाएगी जब माइनस वन पुट करोगे ठीक है अब आप क्या करोगे आपके पास ए प्लस सी जीरो है तो वहां से ए की वैल्यू निकाल लो माइनस यू गॉट द वैल्यूज माइनस वन बाय टू वन अपॉन एक्स माइनस वन डीएक्स ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और देखो माइनस वन बाय टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन वन बाय टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी वन बाय टू आप कॉमन ले लो लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस फोर एक्स माइनस वन प्लस सीज एज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क् माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री डी अब इसके क्वाड्रेटिक क्या है बट इसके फैक्टराइज पॉसिबल है फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो इसको कैसे लिख दोगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस अब देखो मैंने इसको लिख दिया ए अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स प्लस वन और सी अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अब मैंने फिर से देखो इसको सॉल्व कर दिया तो मैं इसको फिर दोबारा लॉन्ग प्रोसीजर से कर रही हूं मैंने इसको करके कॉफिशेंट ऑफ एक्स केयर कम्बाइन कर दिया कॉफिशंट ऑफ एक्स लिख दिया कॉन्स्टेंट वैल्यूज को लिख दिया ठीक है अब आपने कंपेयर किया तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई मैंने फर्स्ट और थर्ड को एड किया मेरे पास ये आ गई फोर्थ इक्वेशन फोर्थ और सेकेंड को एड कर दिया आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस वन बाय टेन फिर मैंने इसको फोर में पुट किया तो मेरे पास आ गई इक्वेशन फाइव माइनस वन बाय टेन माइनस बी इक्वल टू माइनस थ्री यहां से बी की वैल्यू आ गई फाइव बाय टू पुट कर दिया वन में तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी फोर बाय फाइव अब स्टार में पुट कर दिया स्टार कौन सी इक्वेशन थी मेरे पास ये इक्वेशन थी स्टार देन पुट इट इन दिस वे तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी फोर बाय फाइव पुट इन स्टार माइनस वन बाय टेन वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस फाइव बाय टू वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस अब यहां पुट कर दी आपके पास आंसर आ गया दस सवाल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आपके पास ये क्वेश्चन है फिर इसके लीनियर फैक्टर्स में बना दिया और सपरेट करके आपने आगे सुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फाइव एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू बी इंटू दिस प्लस सी इंटू दिस ओके एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू टू और माइनस वन पुट कर दिया एक्स को टू पुट किया तो ये चीज आ गई बी की वैल्यू फाइव बाय सिक्स आ गई और जब आप अपने एक्स को माइनस टू पुट किया ये भी टर्म जीरो होगी ये भी तो सी की वैल्यू रहेगी वहां से आपके पास सी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाय टू एक्स को माइनस वन पुट किया तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई फाइव बाय थ्री पुट कर दो सारी वैल्यूज इसमें फाइव बाय थ्री लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस फाइव बाय सिक्स लॉग x minus 2 minus 5 by 2 log x plus 2 plus c ठीक okay? है plus plus upon x square अब देखो इसमें इसमें आपने देखो डिग्री ऑफ is इज ग्रेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो हम क्या करेंगे इसमें लॉन्ग division लॉन्ग division कैसे करते हैं जैसे algebraic की करते हैं फिर आपने इसको सॉल्व किया x लिखा x cube आया यहां पे तो ये बन गया और ये कैंसल हो गया अब क्या रूल था क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दिया रिमाइंडर ऑप ऑन डिवाइजर अब सेपरेट करके इनकी कर दो इंटीग्रेशन इसकी आ गई एक्स स्केयर बाय टू इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो लॉग एक्स स्केयर माइनस वन और वन बाय टू लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस अब बेटा मैंने क्या किया लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी एक्स माइनस वन लॉग एक्स प्लस वन प्लस इधर भी लगा दी वन बाय टू एक्स माइनस वन माइनस वन बाय टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी अब ये वाला और ये वाला कंबाइन किया तो थ्री बाय टू बन गया इसमें से इसको किया माइनस तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू अपॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्केयर बेटा पहले मैंने इसको ठीक करके लिख लिया माइनस बाहर ले लिया एक्स माइनस वन एक्स स्केयर प्लस दिस इज अब देखो इसका क्या लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस अब एलसीएम लो एलसीएम लेके तुम्हारे पास ये कॉफिशेंट आ गए कंपेयर कर दिया ए प्लस बी जीरो हो गया माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू किया ए प्लस सी जीरो फोर प्लस थ्री आपके पास कर दी ए प्लस सी जीरो ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सो टू ए इज इक्वल टू माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन और सी इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू वन आ गई वैल्यू के आपने यहां पुट कर दी और उसके बाद सेपरेट करके आपने आंसर निकाला क्योंकि ये माइनस लॉग एक्स माइनस वन आ गया वन बाय टू लॉग एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन और टर्न इन वन यहां वन बाय टू क्यों आया क्योंकि हमने डेरिवेटिव प्रेजेंट कराया पहले यहां okay? अब देखो नेक्स्ट अगर ऐसे क्वेश्चन हो आपके पास तो आपने क्या करना है ये एक्सएन को टी पुट कर देना एन एक्स एन माइनस वन डीएक्स इज इक्वल टू डी टी डीएक्स की वैल्यू ले ली यहां पुट कर दी अब देखो ये चीज होगी तो आप क्या करोगे एक्सएन को आप क्या लिख सकते हो टी लिख सकते हो जो आपने ज्यूम किया और उसके बाद इसको पार्सल फ्रैक्शन से करोगे तो तुम्हारे पास ये चीज आ जाएगी ठीक है फिर आप क्या करोगे इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे वन बाय एन लॉग ऑफ मॉड टी माइनस लॉग मॉड टी प्लस वन प्लस सी और टी की वैल्यू डाल दोगे और आपके पास ये आंसर आ गया अगला है कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स को टी पुट के और कॉस एक्स टी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये चीज आई आपके पास इनको ठीक करके लिख लीनियर फैक्टर्स को माइनस इसमें से भी कॉमन ले लिया इसमें से भी और इसको सॉल्व किया तो ए की वैल्यू माइनस वन आ गई बी की वैल्यू वन आ गई पुट कर दिया इंटीग्रेशन कर दी टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी दैट इज योर आंसर ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन इज एक्स स्क्र प्लस प्लस टू अब देखो यहां पे जो डिग्री है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेम है इसमें भी लॉन्ग डिवीजन करोगे लॉन्ग डिवीजन करने के बाद तुम्हारे पास ये चीज आ जाएगी फिर सेपरेटली इंटीग्रेशन कर दो वन के इंटीग्रेशन एक्स टू बाय थ्री रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय रूट थ्री माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टू एक्स अपन दिस दिस अब देखो यहां पे एक्सक्र को टी पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये ये तुम्हारे लीनियर फैक्टर्स बन गए अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के एक को ले जाओगे ए अपॉन टी ऐसे लिख दोगे ठीक है और उसके बाद इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास देखो सेम प्रोसीजर ए इज इक्वल टू वन बाय टू बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास जब आप सॉल्व करोगे तो वन बाय टू लॉग मॉर टी प्लस वन माइनस वन बाय टू वन बाय टू कॉमन ले लो ये आगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन सेम एक्स एन प्लस एक्स फोर को टी पुट कर दो आपने फिर सॉल्व कर दिया फोर एक्स क्यूब ये बना दिया अब इसको ये लिख के एक्स फोर को टी पुट कर दिया माइनस वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन और वन बाय फोर माइनस लॉग मॉट टी प्लस लॉग टी माइनस वन प्लस सी यहां पुट कर दो एक्स फोर माइनस वन अपॉन एक्स फोर One by four plus c is your answer. I hope this concept is clear to you. You are able to do the questions based upon that. With this, your partial fraction topic is complete. Next, we will do in next video. Okay, bye.